नमस्कार। मैं सबसे पहले तो इन तीनों युवकों को हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से, जिसमें विचार भी थे, वक्तृत्व कला भी थी, धारा प्रवाह, विचार प्रवाह बहुत ही सटीक तरीके से प्रस्तुति थी, आत्मविश्वास से भरा उनका व्यक्तित्व था। इन तीनों साथियों को, हमारे युवा साथियों को विजेता होने के लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और देश भर के मेरे युवा साथी, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। भविष्य के भारत को लेकर उनका सपना, उनका समर्पण, उनका साहस, उनका सामर्थ्य, उनके प्रयास, इसका एहसास आज भी सेंट्रल हॉल में होता है। और साथियों, आप जहां बैठे हैं उसी सीट पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली थी, इस देश के किसी न किसी गणमान्य महापुरुष वहां बैठे होंगे। आप आज उस सीट पर बैठे हैं। मन में कल्पना कीजिए कि जिस जगह पे देश के वो महापुरुष बैठे थे, आज वहां आप बैठे हैं। देश को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है ये अनुभव इस समय सेंट्रल हॉल में बैठे सभी युवा साथियों को भी हो रहा होगा। आप सभी ने जो यहां संवाद किया, मंथन किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया, और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा।